क्या हरियाणा में टूट जाएगा बीजेपी जेजेपी का महागठबंधन, या फिर बनेगी बात? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया बड़ा बयान। आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी ने देश की 543 लोकसभा सीट में से 195 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में हरियाणा की सीटों का जिक्र नहीं था, मतलब जब अगली लिस्ट आएगी उसमें बचे हुए राज्यों की सीटों के बारे में फैसला किया जाएगा। इस बीच हरियाणा में जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल करनाल में जेजेपी की कार्यकारिणी बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने उम्मीद जताई है कि एनडीए गठबंधन के तहत उन्हें हरियाणा में बीजेपी से कुछ सीटें मिल सकती हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जेजेपी ने 5 सदस्य कमेटी बना ली है जो बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावनाओं को लेकर बातचीत करेगी और एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पार्टी की पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी को सौंपेगी। इसी के साथ आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अभी एनडीए गठबंधन के तहत अलग अलग राज्यों में सीटें देने की बातचीत को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है और उम्मीद है कि हरियाणा को लेकर भी जल्द बातचीत होगी। दुष्यंत चौटाला ने उन खबरों का खंडन किया है कि हरियाणा में कुछ सीटों पर उम्मीदवार जेजेपी के हो सकते हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह बीजेपी का ही होगा। इस मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की सोच को कभी नीचा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा है कि साथ ही जेजेपी के द्वारा आने वाले वक्त में काशीराम और चौधरी देवीलाल को भारत रत्न देने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस खुद को इतनी पुरानी और पार्टी बताती है, लेकिन हरियाणा में उन्हें आपकी बैसाखी के सहारे की जरूरत पड़ रही है।